अभी रुका हूँ अहमदपुर और गाँव में ट्रैवलिंग का थोड़ा सा इशू होता है और रास्ते समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। जैज़ 4G चल रहा है और मैं ज़रा मैप लगा लूँ। ये मैंने अपना रूट लगा दिया है और चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। डी बाइकर्स की टीम इस वक्त अहमदपुर में हम मौजूद हैं और ये अबकरी हवेली है और डिस्कवर पाकिस्तान पाकिस्तान के जो हिडन ट्रेयर्स हैं उन तक अपनी पहुंच करता है और तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के जो 120 मोर देन 120 कंट्रीज़ तक उसकी एक्सेस है और ये शेयर करता है। अभी हम अबकरी हवेली पे मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इसका आर्किटेक्चर और जो लैंडस्केप इन्होंने बनाई वो काफ़ी खूबसूरत है। इसके मुख्तलिफ पार्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसकी कुछ डिटेल भी हम लेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट है और ये इस तरह के थोड़ा बैकवर्ड एरिया में इतना बड़ा स्ट्रक्चर और डिफरेंट आर्किटेक्चर यहाँ बनाए गए, मॉडल बनाए गए, वो भी हम आपको दिखाएंगे और शेयर करेंगे कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट है और इनको बनाने वाले के पीछे कौन लोग हैं और उनकी क्या एफर्ट हैं इस खित्ते के हवाले से और उनके माइंड में क्या चीज़ थी कि उन्होंने ये इतना कुछ यहाँ तामीर किया। जी इस वक्त हम अबकरी हवेली अहमदपुर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे इतनी प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग, मुझे तो लग रहा है कि मैं कहीं उज़्बेकिस्तान और बुखारा और समरकंद में ठहरा हुआ हूँ। और यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे पूछते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर किसने तामीर किया और इसके पीछे थीम क्या है और ये इसकी थोड़ी सी डिटेल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर और ये देखें ये कहाँ से थीम ली गई और कब बनाया गया और क्या इसका पीछे इसकी क्या कंसेप्ट क्या है? तरीन साहब, गुजारिश है, मेरे हैं मुर्शिद करी यहाँ कीम तारिक महमूद चुगताई साहब। इस वक्त 216 ममालिक में हमारा नेटवर्क चल रहा है, हर जुमरात को उनकी स्पीच होती है लाहौर में मजांग चुंगी में। उनको एंटीक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमारा जो तस्बीह अपना तस्बीह खाना है उसके साथ हमने एक बनाया है, म्यूज़ियम बनाया, उसमें हमारे पास 6000 साल पुरानी चीज़ भी है और 60 साल पुरानी चीज़ भी है। उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये बिल्डिंग क्या है इसकी? ये कहां से डिजाइन? बुखारा में जब गए हैं उज़्बेकिस्तान में तो वहाँ उन्होंने ये बिल्डिंग देखी है तो उनको ये पसंद आई तो उन्होंने यहाँ आके फरमाया कि ये जो है ऐसी मुझे बना के दे। तो हमने ये सिंध से हायर किए हैं आर्किटेक्चर, उन्होंने आके ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो बनाया। इसकी जो बाउंड्री वाल है, ये छोटे मीनार जो आपको नज़र आ रहे हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा सुबह सादिक मीनार, जो नवाब साहब असल में जो बड़े नवाब साहब थे ना सुबह सादिक, वो ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे जिनको वो घुटनों के बल मिलने जाता था। उसकी याद में उनको बहुत ज़्यादा अपनी रियासत से अपने इलाके से बहुत ज़्यादा हर इंसान को होती है, उनको बहुत ज़्यादा है। और ये अबकरी हवेली ये क्या कंसेप्ट किया है? कोई ये सराय है, लंगर खाना है, लोगों के आने की जगह है या कोई वैसे ही कोई पिकनिक स्पॉट है, क्या है ये इसका कंसेप्ट क्या है? ये तरीन साहब लंगर खाना है असल में। अच्छा। हमारे जो पीर भाई साहबान हैं जो पूरे वर्ल्ड से आते थे। अच्छा। क्योंकि अहमदपुर इस वक्त रियासत ख़त्म होने से की वजह से बैकवर्ड इलाका बन गया था तो यहाँ होटलिंग रेस्टोरेंट नहीं है, उसकी वजह से वो परेशान होते थे तो उन्होंने बार बार अर्ज किया। उनकी दरख्वास्त पर हजरत साहब ने फरमाया कि यहाँ हमने कमरे रूम बनाए हैं, वो यहाँ आए घूमें फिरें, उसके बाद मजारात पे जाएं, किला ड्रावर जाएं। ये हवेली कितने रकबे पे है? 90 कनाल सर। 90 कनाल। और ये कितने अरसे से बन रही है? और ये 2018 से तरीन साहब। अच्छा। 2018 से।